जगदलपुर के नगर निगम जगदलपुर के महापौर में से वह सामान्य जय महिला सीट रक्षित होने के बाद भी एक तरफ जहां पर सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए में निराशा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लंबे समय से वह पार्टी के लिए काम कर रही महिला कार्यकर्ताओं के खुशी की लहरें वीडियो जगदलपुर के नगर निगम के में से 10 सालों के बाद वह सामान्य महिला सीट अध्यक्ष हुई है, जिसके लेकर वह दोनों के बड़ी पार्टी की महिला में काफ़ी खुश है। सामान्य महिला व आकर्षक सीट के घोषणा करते हुए वह महिला के उम्मीदवारों के अपनी अपनी दावेदारी के ताल के ठोक दी है। वहीं पर भी लोगों को कहना है कि वे पिछले 15 साल से विकास कर रही देख रहे हैं, वहीं पर शायद अब कुछ भला हो जाएगा। जगदलपुर के नगर निगम महापौर के लिए दिन में और पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दावेदारी के निगाहें टिकी हुई है। प्रयास जरूर है, क्योंकि हर कोई चाहता था कि पुरुष जनरल हो तो अपना प्रयास करेंगे, अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, पर अब महिला हो गया है, नाराजगी कोई नहीं है, सब मिल के काम करेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। संभावित कौन हो सकता है, जैसे चेहरा के पार्टी के पास ऐसा कोई है जो? देखिए, अभी महिला दावेदार में काफ़ी दावेदारी अभी होगी, एकदम से किसी का नाम या बोलना ये उचित नहीं होगा, ये तो हाईकमान का फैसला होता है। रक्षित हो गया है, लेकिन अगर पिछले कार्यकालों की बात की जाए, क्या जनता इससे संतुष्ट थी? नहीं, अभी देखो 5 साल अभी एक कांग्रेस भी आया, जो अपने महापौर जी हैं जतिन जसवाल जी, अभी भी कोई एकदम अच्छा से कार्य भी हुआ नहीं है, जगह जगह देखो गड्ढे हो रहा, और उससे पहले भी अपना ये भाजपा सरकार भी था, आज भी का वार्ड का समस्या ऐसी है जो मतलब पहले भी था। अभी देखो हाल ही में अभी हर एक वार्ड में तो पूरा बाढ़ स्थिति आया था, जिसका घर भी टूट गया, जिसका बाउंड्री भी टूट गया, अभी तक वो समस्या का निवारण अभी हुआ ही नहीं। पार्टी को मिलेगा, रहा सवाल दावेदारों का, तो हमारे पास महिला नेत्रियों का बहुत सारे प्रतिभाशाली महिला नेत्रियां हैं, जिनके बलबूते हम लोग यह चुनाव भी जीतेंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है। कांग्रेस की सरकार है अभी प्रदेश में, क्या लगता है? ये प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन